हाय अंगित, स्पोर्ट्स ट्रम्पेट में आपका स्वागत करती हूँ बहुत बहुत। तो मेरा जो पहला सवाल है वो आपसे ये है कि जिस तरह से आपकी MFN की जर्नी रही है अभी तक, आपने MFN लास्ट सीजन भी थे, लास्ट सीजन भी काफ़ी आप फेमस हुए, और आपके अदर सीजन के बारे में कुछ बताइए, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपको? जर्नी काफ़ी अमेजिंग थी, लाइक MFN 3 से मैं आई थिंक खेल रहा हूँ, और लाइक उस समय लाइक मतलब मैं SFL में मैंने पहले खेला था, लेकिन उसके बाद MMA प्लेटफॉर्म नहीं था, एंड एज अ मैं फाइटर हूँ तो मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए, लाइक मुझे चाहिए कि मैं फ़ाइट करूँ। सो MFN एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ इंडिया में आया था उस समय, लाइक जब मैं बिगनिंग की बात कर रहा हूँ, तो देन वही है, अगर मेरे अंदर पोटेंशियल है तो मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए, एंड MFN वो काम कर रहा है, तो जर्नी काफ़ी अमेजिंग है यू नो। तो जिस तरह से मैंने सुना आपके बारे में या सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, हम जब देखते हैं सोशल मीडिया पे आपको, आप बहुत सारे यंगस्टर्स को ट्रेनिंग कराते हुए नज़र आते हैं, तो इतने यंगस्टर्स आपके साथ किस तरह से जुड़े, या किस तरह से मोस्टली पीपल कॉल यू सर, और शायद आपके अभी इतनी एज भी नहीं है फिर भी वो आपको इतना मतलब प्रॉमिसिंग समझते हैं, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्ट यू नो, क्योंकि आई थिंक वो रिस्पेक्ट मैं अर्न करता हूँ, क्योंकि देखो अभी जो हमारा यूथ है ना वो भटका हुआ है, अगर आप किसी को गोल दोगे देन देट इज़ द यू नो ये सबसे बड़ी बात होती है। पर तो जैसे देहरादून में मेरी अकेडमी है, तो वहाँ काफ़ी बच्चे आते हैं पूरे इंडिया से, एंड उनको फाइटर बनना है, और मैं एक फ़ाइटर हूँ, तो मेरी फाइट देख देख के उन्हें लगता है कि हाँ ये बंदा टेक्निकल है। अगर फाइनेंशियली तौर पर देखें तो जो जितने जैसे अभिषेक नेगी है और दिगंबर है, इन इन यंगस्टर्स को आपने MFN से किस तरह से जोड़ा? या देखो जैसे मैं अच्छी फाइट करता हूँ, तो जो एलन सर है ये फाइट देखते हैं हमारी, एंड उन्हें पता होता है कि मैं वर्क एथिक हूँ, तो मेरे साथ जो लोग हैं वो भी वर्क एथिक होते हैं यू नो, तो हमारा ऐसा नहीं होता है कि हम हफ्ते में यू नो काफ़ी ऑफ मार दिया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स लाइक यार एवरी सिंगल डे वी हैव टू कम देयर एंड ग्राइंड यू नो, कंसिस्टेंसी सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड देन सेम थिंग मैं इनको बोलता हूँ, पर मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप ये नहीं कर सकते हो देन प्लीज़ डोंट डू दिस, लाइक अपना आप लाइफ स्पॉइल मत करो, अगर आपको MMA करना है देन यू हैव टू बी लाइक 110% एवरी सिंगल डे। ओके, तो ये जो आपकी जर्नी रही अभी तक की, और आप काफ़ी सराहे गए अपने हर तरह के काम के लिए, बीइंग अ कोच एंड बीइंग अ प्लेयर, तो अब MFN 9 से क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी फ़ाइट किसके साथ है, और किस तरह का टारगेट आप रख रहे हैं कि इस बार कितने मिनट में मैं नॉकआउट कर दूंगा, या क्या कुछ ऐसा माइंड में सोचा है? देखो ऐसा प्लानिंग तो है, जो बेसिक प्लानिंग्स है लाइक जितने भी मेरे जो होल्स हैं गेम में मैं उन्हें फिल कर रहा हूँ, लाइक कर चुका हूँ, एंड कल मेरा ये नहीं है कि मैं इसको नॉकआउट मारूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर जो करता है वो परफॉर्मेंस है, मतलब जीतना है लेकिन विद परफॉर्मेंस। अच्छा, स्पोर्ट्स ट्रम्पेट से जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच।